नमस्कार मित्रों, भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की कथा तो आप सभी ने सुनी ही होगी। चलिए आज जानते हैं प्रहलाद की जन्मभूमि मुल्तान का इतिहास। मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, यह कभी प्रहलाद की राजधानी था और उन्होंने ही यहाँ भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया था। मुल्तान वास्तव में संस्कृत के शब्द मूल स्थान का परिवर्तित रूप है। वह सामरिक स्थान जो दक्षिण एशिया व ईरान की सीमा के चलते सैन्य दृष्टि से संवेदनशील था। यहाँ माली वंश के लोगों ने भी शासन किया और सिकंदर को यहीं पर भारतीय राजाओं के साथ युद्ध के दौरान छाती में तीर लगा, जो कि उसकी मृत्यु का कारण बना। समय समय पर इस नगरी पर अनेक हमलावरों ने आक्रमण किया। इस्लामिक लुटेरों ने प्रहलाद के मंदिर में भी कई बार आक्रमण किया, उसे क्षतिग्रस्त किया और उसके पास ही हजरत बहाउद्दीन जाकरिया का मकबरा बना दिया। इतिहासकार डॉक्टर A.N. खान के हिसाब से जब ये इलाका दोबारा सिखों के अधिकार में आया तो सिख शासकों ने 1810 के दशक में फिर से मंदिर वहां पर बनवाया, मगर जब अलेक्जेंडर बर्निस इस इलाके में 1831 में आया तो उसने वर्णन किया कि मंदिर फिर से टूटे फूटे हाल में है और इसकी छत नहीं है। कुछ साल बाद 1849 में अंग्रेजों ने मूल राज पर आक्रमण किया तो ब्रिटिश गोला किले के बारूद के भंडार पर जा गिरा और पूरा किला बुरी तरह से नष्ट हो गया। बहाउद्दीन जकारिया और उसके बेटों के मकबरे और मंदिर के अलावा लगभग सभी कुछ जल गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में इस मंदिर के बारे में लिखा कि यह एक ईंटों के चबूतरों पर काफ़ी नक्काशीदार लकड़ी के खंभों वाला मंदिर था। इसके बाद महंत बावल रामदास ने जनता से जुटाए 11,000 रुपये से फिर से इसे 1861 में बनवाया। उसके बाद 1872 में प्रहलादपुरी के महंत ठाकुर फतेह चंद टकसालिया और मुल्तान के अन्य हिंदुओं की मदद से फिर से इसे बनाया गया। सन 1881 में इसके गुंबद और बगल के मस्जिद के गुंबद की ऊंचाई को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद हो गया, जिसके बाद दंगे भड़क उठे। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दंगे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया। इस तरह इलाके के 22 मंदिर उस दंगे के भेंट चढ़ गए, मगर मुल्तान के हिंदुओं ने मंदिर फिर से बना दिया। ऐसा ही 1947 तक चलता रहा, जब इस्लाम के नाम पर बंटवारे में पाकिस्तान हथियाए जाने के बाद ज़्यादातर हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा। बाबा नारायण दास बन्ना वहाँ से आते समय वहाँ के भगवान नरसिंह की प्रतिमा ले आए। अब वो प्रतिमा हरिद्वार में है। टूटी फूटी जीर्णावस्था में मंदिर वहाँ बचा हुआ है। सन 1992 के दंगे में मंदिर पूरी तरह तोड़ दिया गया। अब वहाँ मंदिर का सिर्फ अवशेष बचा है। सन 2006 में बहाउद्दीन जकारिया के उर्स के मौके पर सरकार ने इस मंदिर के अवशेष में वजू की जगह बनाने की इजाज़त दे दी है।